हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Vivo Y20, Y20G, Y20i में अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है, या तो फिंगरप्रिंट जो है ठीक से ले नहीं रहा है, या तो आप जो है फिंगरप्रिंट सेटिंग तो कर चुके हैं लेकिन फिंगरप्रिंट में जो है अनलॉक नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आपका मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आपका फिंगरप्रिंट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख लेते हो तो सब कुछ प्रॉब्लम का सलूशन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आप लोग जो है फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करोगे। देखिए, फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और इधर देख सकते हो आप जो है सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, इधर जो है देखिए फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक और पासवर्ड, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप फिंगरप्रिंट में क्लिक करोगे तो आपको पैटर्न लॉक के लिए बोलेगा, कोई भी अनलॉक करने के लिए आपको एक ऑप्शन आएगा। देखिए इधर जो है आप कौन सा पासवर्ड लगाओगे, मतलब पासवर्ड लगाओगे या पैटर्न लगाओगे या दूसरा कुछ मिक्स करके लगाओगे, तो ऐसा कुछ आएगा। तो आपको कोई भी एक चूज कर लेना है और उसके बाद आपको कुछ भी एक पासवर्ड दे देना है या तो पैटर्न लॉक दे देना है। ठीक है, देखिए इधर जो है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है और एक बार देना है, और उसके बाद आपको क्या होगा ना, फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे फिंगरप्रिंट देना है। अगर आपका ये वाला फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है तो पहले आपको देखना चाहिए आपका जो ये फिंगर है आप क्या काम करते हो। अगर ये जो फिंगरप्रिंट में जो रेखाएं होता है अगर आपका ठीक से नहीं है, विजिबल नहीं है, तब भी आपका फिंगरप्रिंट नहीं लेगा। और अगर आपका पसीना लगा है या तो पानी लगा है तब भी आपका फिंगरप्रिंट नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख के उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है। अगर उसका सब कुछ आपका ठीक है, कोई भी उंगली में, अगर ये उंगली में भी आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है या तो ये उंगली में, कोई भी उंगली में आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, तब आप क्या करोगे। देखिए, अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है तो इसका रीजन है कि फिंगरप्रिंट का जो फ्लेक्स होता है इधर लगा हुआ होता है, या तो टूट चुका है या तो आपका जो है फिंगरप्रिंट खराब हो चुका है। अगर आपका फिंगरप्रिंट ले रहा है और ठीक से नहीं खोल रहा है तब आपका फिंगरप्रिंट का जो फिंगर में जो रेखाएं होता है वो ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, जो कि वो सेंस नहीं कर पा रहा है, तभी जाके वो जो है फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं इधर आपको दिखा दूं, देखिए कंटिन्यू हो गया और मैं इसको फिंगरप्रिंट को पूरा कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे ये जो है कैसे खोलता है, ये जो है लॉक हो गया तो फिंगरप्रिंट जो है ऐड नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने जो है पूरा कंटिन्यू नहीं किया था, तो ऐड हो गया। देखिए इधर जो है फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, तो मैं एक बार इसको अनलॉक करके देखता हूं। देखिए ये देखिए अनलॉक हो जा रहा है। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं हो रहा है और उसको आपको थोड़ा ये जो है आपका फिंगर को अच्छी तरह साफ कर लेना है और फिंगरप्रिंट को भी अच्छी तरह साफ कर लेना है। अगर आपका वाटर डैमेज हुआ था, पानी में गिर गया था आपका मोबाइल, उसके बाद जो है आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है ना, इसको खोलना है किसी रिपेयरिंग शॉप में जाके, खोल के उसका जो कनेक्टर है उसको साफ कर सकते हो। अगर कनेक्टर में कार्बन हो जाता है तब भी जो है आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। और उसके बाद अगर आपका सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तब आपको ये फिंगरप्रिंट जो है रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है खराब हो चुका है। आशा करता हूँ ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छा लगा है। अच्छा नहीं लगा है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।